टुडे वी टॉकिंग अबाउट ए वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, ठीक है। तो देखो अब कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू ऑफ द टेल, टेल ऑफ एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस की जो टेल होती है ना वो कंटिन्यू करती है किसमें, आगे वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस में। ओके नेक्स्ट है ये मस्कुलर ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब और सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। डक्टस डिफरेंस की लेंथ होती है 45 सेंटीमीटर, यह क्वेश्चन आता है अलग से दो नंबर का, ठीक है 45 सेंटीमीटर। फिर यह ट्रांसमिट स्पर्म को करती है एपिडिडाइमिस से इजेकुलेटरी डक्ट तक, है ना। तो ट्रांसमिट स्पर्म का फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू इजेकुलेटरी डक्ट, इजेकुलेटरी डक्ट, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कोर्स की, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके इसके कोर्स की तो देखो, फर्स्ट इसके कोर्स की बात करें तो विद इन स्कोटम यहाँ होती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस, ये इम्पोर्टेंट है, है ना। वास्ट डिफरेंस का कोर्स पूछते हैं अलग से, विथ इन स्कोटम पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। सेकेंडली विथ इन इंग्वाइनल केनाल तो एज पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। और थर्ड हो जाएगा ग्रेटर पेल्विस और फोर्थ हो जाएगा लेसर पेल्विस। ओके तो ये हो गई इसकी, इसका कोर्स हो गया वास्ट डिफरेंस का। और इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कोर्स ऑफ वास्ट डिफरेंस को लिखिए या इसकी लेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 45 सेंटीमीटर वास्ट डिफरेंस की लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं आरटीएल सप्लाई की, मतलब ब्लड सप्लाई। तो आर्टरी टू द डक्टस डिफरेंस ब्रांच कौन सी, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी, याद करना है। ओके नेक्स्ट एनास्टमोसिस, एनास्टमोसिस विथ टेस्टिकुलर आर्टरी के साथ में एनास्टमोसिस होती है, ठीक है। और ये किससे डेवलप होती है, वास्ट डिफरेंस मिजो नेफ्रिक डक्ट से, मिजो नेफ्रिक डक्ट। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिक, तो ये हो जाएगी वैक्सेक्टोमी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कटे किसको कट करते हैं, वैक्सेक्टोमी में किसको कट करते हैं, कटे वास डिफरेंस को। ओके ये इम्पोर्टेंट है, क्लिनिक और ये 45 सेंटीमीटर होती है, है ना। तो वास डिफरेंस वैक्सेक्टोमी में किसको कट करती है, वास डिफरेंस को। ओके तो ये हो गया इम्पोर्टेंट टॉपिक वास डिफरेंस।